मध्य प्रदेश में सोमवार को यात्रा का छठा दिन है। रविवार रात को इंदौर के चिमनबाग मैदान पर म्यूजिक शो के दौरान मौजूद रहने के बाद भी राहुल सुबह 5 बजे उठ गए। ठीक 6 बजे बड़ा गणपति से यात्रा उज्जैन के लिए रवाना हुई। राहुल गांधी का इंदौर में पड़ाव 2 दिन का रहा। बीच में राहुल ने साइकिल भी चलाई। इस दौरान विधायक जीतू पटवारी समेत अन्य नेता दौड़ लगाते दिखाई दिए। राहुल गांधी सोमवार सुबह कार में बैठकर चिमनबाग मैदान से बड़ा गणपति पहुंचे। स्थानीय नेता और पार्षद पहले से ही राहुल के इंतजार में खड़े थे। तिरंगे झंडे यहां लहरा रहे थे। राहुल के पहुंचते ही यात्रा शुरू हो गई। राहुल ने यात्रा के दौरान साइकिल भी चलाई। यात्रा के दौरान कुछ युवकों के समूह ने मोदी समर्थन में नारे लगाए। राहुल ने उन्हें पास बुलाने का इशारा किया तो वे भाग गए। यात्रा मंगलवार को उज्जैन पहुंचेगी। यहां राहुल महाकाल के दर्शन करेंगे, साथ ही एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा शाम 4 बजे बारौली से शुरू होगी, जो सावेर तराना निनोरा होते हुए उज्जैन पहुंचेगी। इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। नमस्कार। केसी वेणुगोपाल जी, जेपी अग्रवाल जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी जी और स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता, दूसरे तरीके से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्यारे बब्बर शेर और शेरनिया भाई और बहनों, इंदौर के युवा, इंदौर की जनता और प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका आज यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आज प्रेस को इस साइड लगा रखा है। नमस्कार। अब तकरीबन 80 दिन हो रहे हैं कि हम इस भारत छोड़ो यात्रा पर कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा पर 3,700 किलोमीटर की यात्रा पर चल रहे हैं। जैसे इंदौर ने आज दिखाया, हम इस यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हैं, 100 यात्री नहीं चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं चल रही है, हिंदुस्तान की पूरी जनता इस यात्रा में शामिल है और एक साथ चल रही है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।